वेलकम टू माई YouTube चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास ट्वेल्थ की जोग्रफ़ी का चैप्टर फोर ह्यूमन डेवलपमेंट ओके okay, तो ये बुक वन जो ह्यूमन जोग्रफी है उसका चैप्टर फोर है ह्यूमन डेवलपमेंट इस बुक में भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और जो आपकी सेकेंड बुक है इंडियन इकानमी वाली उसमें भी हम इंडियन पीपल एंड इकानमी उसमें भी देखो हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो देट मीन्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैसे कि हम सुनते हैं अमेरिका डेवलप्ड है ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है इंडिया डेवलपिंग है, India developing है. चाइना डेवलपिंग है कुछ ऐसी कंट्रीज है दोज आर एल यानी कि लीज डेवलप्ड है नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेवलपमेंट हमने इतनी बात जब से हम लोगों क्लासेस में है अपनी फोर्थ फिफ्थ सिक्स से वी आर स्टार्टिंग अबाउट डेवलपमेंट बट डू यू नो द रियल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट का रियल मीनिंग हम इस चैप्टर में जानेंगे क्यों हम कहते हैं भाई अमेरिका डेवलप्ड है ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है तो ऐसा क्या है वहाँ पर जो हम उनको डेवलप्ड कहते हैं एंड वट्स द मीनिंग ऑफ ग्रोथ अब कई बार ऐसा होता है जितने लोग अभी तक ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब सेम समझते हैं यानी कि कहीं पे ग्रोथ हो रही है तो वो डेवलपमेंट है बट ऐसा नहीं है यही कंफ्यूजन आज हमारी इस चैप्टर में क्लियर होगी एंड यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डीपली एंड जो डेवलपमेंट है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट भी उसका एक सब पार्ट ही है क्यों बिकॉज सोसाइटी के मेन इंसान चीज़ क्या है वॉट इज द मेन एलिमेंट ऑफ अ सोसाइटी ह्यूमन बींग्स वी द ह्यूमन बींग्स अगर देखो इट इज़ पॉसिबल दैट अगर हम नहीं है तो अर्थ पे भी क्या है अगर अर्थ नहीं है तो हम नहीं है और हम नहीं है तो अर्थ नहीं है ठीक तो है, है तो इसीलिए अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे व्हाट्स द नीड ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट अगर किसी सोसाइटी के ह्यूमन डेवलप्ड हैं तभी उस सोसाइटी को उस कंट्री को डेवलप कहा

कोई भी चेंज हो हम एक पीरियड ऑफ टाइम में एक साल में एक महीने में दो साल में एक डिकेड में उस चेंज को हम कहते हैं डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ बट इनमें डिफरेंस क्या है चेंज तो कैसा भी हो सकता है तो प्रॉपर डिफरेंस वी हैव बीन टोल्ड इन आ बुक ग्रोथ और डेवलपमेंट का देखो जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंज होता है यानी कि क्वांटिटी के अंदर चेंज है मैं कह रही हूँ कि मेरा वेट बढ़ गया है लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे मैं पाँच किलो वेट मैंने पुट ऑन कर लिया है दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंज एंड डेवलपमेंट इज़ दैट दैट मैं जब लॉकडाउन में घर पे बैठी हुई थी मैंने अपने सारे शौक़ पूरे कर लिए हैं मेरे को टर्किश लैंग्वेज सीखनी थी मैंने उसकी क्लासेस लेके वो सीख ली है और मेरे को डांस करना सीखना था तो मैंने डांस करना सीख लिया है मैंने कुकिंग expert एक्सपर्ट कर लिया है अब मुझे बहुत सारी अलग अलग डिशेज बनानी आती हैं और मैंने अपने जो क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड्स की पढ़ाई अच्छे से करनी स्टार्ट कर दी मैं खाली नहीं बैठी घर पर तो ये सब चीज़ें क्या हुई आई हैव इंक्रीज माई केपेबिलिटीज़ आई हैव इंक्रीज माई क्वालिटी तो ये हुआ डेवलपमेंट यानी कि लॉकडाउन में मुझे टकिश लैंग्वेज भी आ गई मुझे डांस करना भी आ गया मुझे खाना बनाना भी आ गया तो वो क्या हुआ और मैंने अपनी बोज के लिए तैयारी भी कर ली दैट इज़ अ क्वालिटिटिव चेंज क्वालिटी आ गई है सिमरन मैम के अंदर एंड वॉट इज़ द क्वान्टिटेटिव चेंज मेरी ग्रोथ कब होगी कि मैंने कहा मैंने पाँच किलो वज़न मेरा बढ़ गया है दैट इज़ अ क्वान्टिटेटिव चेंज तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तुम समझ गए नेक्स्ट चीज़ क्या होती है दैट जो ग्रोथ होती है वो वैल्यू न्यूट्रल से भी शुरू हो सकता है यानी कि ग्रोथ ज़ीरो परसेंट से भी स्टार्ट होती है जैसे कि एक बच्चा है बेबी आपने देखा होगा घर में आपके पैदा होता है कभी किसी भैया का कभी दीदी का किसी मासी वासी का तो बच्चा कैसा होता है इतना सा बच्चा होता है और वो धीरे धीरे जीरो लेवल से वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं उससे पहले वो अपनी मम्मी के पेट पर पे होता है तब भी उनकी ग्रोथ होती रहती है ठीक है तो जीरो लेवल से हमारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है बट जो हमारी डेवलपमेंट है वो कभी भी ज़ीरो लेवल से स्टार्ट नहीं होती वो पॉजिटिव लेवल से स्टार्ट होती है जैसे कि अब हम कहेंगे दैट समन इज़ देयर एंड वो उसने पहले तो क्लास ट्वेल्थ करी हुई थी उसने अब उसने बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेज सीख ली है और उसने कुकिंग कोर्स सीख लिया है ही इज़ हाईली एजुकेटेड नाओ उसमें डेवलपमेंट आ गया पहले वो इतना अच्छा बच्चा नहीं था अब वो अच्छा हो गया अब आप अपनी क्लास में ले लो कोई बच्चा जो बिल्कुल बैक बेंजर जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था शैतानी करने वाला एकदम से क्लास ट्वेल्थ में आते ही ही बिकेम अवेयर अवेयर हो गया अपनी पढ़ाई को लेकर और उसने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया उसमें अच्छी बातें आने लग गई ही इज़ वेरी फोकस्ड टू वर्ड्स हज स्टडीज एंड ऑल दैट तो वो क्या होगा कि वो चेंज आ गया है उसके अंदर आ नाउ ही इज़ बीइंग पॉजिटिव अब वो डेवलप हो रहा है अब किसी कंट्री की लेके चलो दैट कोई कंट्री है ठीक है चल रही है वहाँ प्राइमरी रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं ठीक है और उस कंट्री ने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया उन्होंने इंडस्ट्री लगाई पहले उन्होंने माइनिंग करी फिर इंडस्ट्री लगाई फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप करा तो जो डेवलपमेंट है कभी भी जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं होता है इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव लेवल ओनली हम कैलकुलेट करते हैं कि पहले ये कंट्री ऐसी थी अब इसमें पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो ग्रोथ सबसे वैल्यू पॉजिटिव चेंज मतलब क्या है जो ग्रोथ है वो नेगेटिव भी हो सकती है हम कह रहे बच्चे का वेट घट भी सकता है बढ़ भी सकता है बट जो डेवलपमेंट है अगर हम उस वो कम हो रही है तो उसको कंसिडर नहीं करा जाता डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही रेफ़र करा जाता है मैं कह रही हूँ इंडिया जो है अब इंडिया ने ख़ुद को इतना हमारी मेक इन इंडिया स्कीम आई उससे हमारी इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई तो वी कुड से दैट इंडिया के अंदर डेवलपमेंट आ रहा है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं बट जो ग्रोथ है ग्रोथ कैन बी नेगेटिव ऑल्सो तो डेवलपमेंट कभी नेगेटिव नहीं होती है डेवलपमेंट को हमेशा हम पॉजिटिव ग्रोथ के बाद कंसिडर करे जाते हैं बट जो हमारी ग्रोथ है इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव मैं कह रही हूँ आपका वेट कम हो रहा है आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है आप कमजोर लग रहे हो दैट इज़ योर नेगेटिव ग्रोथ एंड इफ आई एम सेंग यू आर ग्रोइंग तुम्हारी हाइट बढ़ रही है तुम लंबे हो रहे हो दैट इज़ अ पॉजिटिव ग्रोथ तो ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव और जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमेशा एक पॉजिटिव चेंज के बाद ही हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है और जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव ग्रोथ के बाद ही शुरू होती है यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का सिर्फ बेसिक फीचर यही है अब एग्जाम्पल यही दे रखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से मतलब एक साल में हमारी सिटी की पॉपुलेशन एक लाख से दो लाख हो गई तो दिस इज़ अ ग्रोथ ठीक है ये कौन सी ग्रोथ हुई है देखो यहां पे पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है अब मैं कह रही हूं कि मेरी सिटी की पॉपुलेशन दो लाख से एक लाख होगी दैट वुड बी अ नेगेटिव ग्रोथ तो ये सिंपल सा ग्रोथ का पैरामीटर होता है नाउ इफ यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट तो मैं कह रही हूं कि मेरी पॉपुलेशन बड़ी है पॉपुलेशन में ग्रोथ आया है बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ सरकार ने हाउसिंग करी है सैनिटेशन लेवल बढ़ाया है बच्चों को एजुकेशन दी है और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम चलाए हैं हमारी सरकार ने तो वो क्या हुई पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट यानी एक तो ग्रोथ तो हुई है पॉजिटिव उसके साथ साथ में डेवलपमेंट भी आया है क्वालिटी बढ़ी है पॉपुलेशन की सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो विद दिस हमारा सबसे बेसिक चीज इस चैप्टर की कंप्लीटेड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट्स तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो इतने समय से ना अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट नापना था काफ़ी समय तक आप मान लो 80s और 90s तक क्या होता था अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो रही है यानी कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है पॉजिटिव में पैसा आ रहा है कंट्री के अंदर तो कहते थे भैया कंट्री तो डेवलप्ड है तो बड़ी अमीर है इट इज़ ग्रोइंग ठीक है ऐसे कहा जाता था और जितनी बिग इकोनॉमी उतनी बढ़िया कंट्री यानी कि अगर कोई कंट्री है बहुत पैसा कमा रही है जैसे कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ देखो वो तेल बेच के पैसा तो कमाती है बट वहाँ पे लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते तो हम कहते नहीं वहाँ रहना आसान नहीं है वो उसको डेवलप नहीं कहते हम क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं कहते पैसा तो है उनके पास बट फिर भी हम उन्हें डेवलप नहीं कहते क्यों नहीं कहते बिकॉज वहाँ पे लाइफ ऑफ पीपल इज़ नॉट गुड तो पहले ज़माने में सिर्फ बिग इकोनॉमीज़ को डेवलप्ड कहा जाता था बट धीरे धीरे चेंजेस आए पहले ज़माने में क्या था लाइफ ऑफ द पीपल चाहे लोग वहाँ कोई ह्यूमन राइट right नहीं है उनके साथ करप्शन हो रहा है गर्ल्स के साथ गलत हो रहा है और लोग गरीब लोगों को मारा जा रहा है कुछ भी हो रहा हो बट अगर पैसा कमा रही है कंट्री तो उसको डेवलप्ड कहा जाता था बट देन लेट एटीज़ एंड अर्ली नाइन्टीज़ से ये कॉन्सेप्ट चेंज होना शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट चेंज किसने करा थैंक्स टू आर टू एशियन इकोनॉमिस, साउथ एशियन इकोनॉमिस, एक पाकिस्तान के एक इंडिया के पाकिस्तान के महबूब हक और इंडिया के अमरत्य सेन इन्होंने मिलकर बनाया कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्होंने ही ये बात यू कैन से दैट दे स्टार्टेड दैट खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता है हमें अपने अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस लाना भी ज़रूरी है अगर कोई कंट्री में लोगों को राइट right ही नहीं मिल रहा है बेसिक राइट right नहीं है क्वालिटी नहीं है फ्रीडम नहीं है तो क्या करेंगे पैसे का तो दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द टू साउथ एशियन इकोनमीज वन मा क्वेश्चन याद रख लेना ठीक है तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में हम महबूब की जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं तो उन्होंने ये कहा डेवलपमेंट इज द वन दैट इन लार्जिस पीपल्स च्वाइस डेवलपमेंट वो चीज़ है जो लोगों की चॉइसेस को बड़ा कर देता है यानी कि लोगों के पास ये भी ये भी ये भी इन सब में से वो चूज़ कर सकता है यानी कि अगर तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेना है यू हैव एन नंबर ऑफ़ स्कूल्स इन फ्रंट ऑफ यू तुम उनमें से किसी में भी जाके अपना एडमिशन ले सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हो दैट इज़ डेवलपमेंट इम्प्रूवस देयर लाइफ अब जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए हमारे जो सरकार है वो इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स बना दी हैं जिससे कि वो अपलिफ्ट हो सके पीपल आर सेंटर यानी कि एक ऐसी सोसाइटी यहाँ पे पीपल के ऊपर फोकस करा जा रहा हो कोई करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स ना हो पीपल आर द सेंटर ये होता है हमारा डेवलपमेंट दिस इज़ नोन एज द डेवलपमेंट और चॉइसेस फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए चॉइसेस बढ़ती रहनी चाहिए इट कीप ऑन चेंजिंग ऐसा ना हो समय के साथ साथ चेंज इन आए सोसाइटी के अंदर नहीं एक ऐसी सोसाइटी अगर हम ब्रिटिश ज़माने में अभी तक रह रहे होते तो क्या इट वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री क्या हम डेवलपिंग भी होते नहीं तो चॉइसिस बढ़नी चाहिए चेंजेस आने चाहिए और गोल क्या होना चाहिए कि लोगों को एक मीनिंगफुल लाइफ दी जाए ना वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ मीनिंगफुल मीनिंगफुल मतलब एक अच्छी लाइफ तो हो बट उसके साथ साथ उसका कोई मतलब हो कोई मकसद हो लाइफ का ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है बट तुम पड़े हुए हो यू आर नॉट बींग प्रोडक्टिव टू द सोसाइटी और योर सेल्फ तो एक मीनिंगफुल लाइफ का आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि एक आदमी जेल में है या एक आदमी खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि उससे पूछा तुम अगले साल में खुद को कहाँ इमेजिन करते हो तो वो क्या कह रहा है कि या तो मैं जेल में जाऊँगा या मर जाऊँगा और दूसरी जगह एक लेडी है वो कह रही है कि आई वॉन्ट डैट मैं कोई सस्ता ट्रीटमेंट निकालूँ कैंसर का तो किसकी लाइफ मीनिंगफुल है जो सोच रहा है मैं मर जाऊँगा कि उसकी लाइफ का तो कोई मीनिंग ही नहीं है तो ऐसे ह्यूमन बींग्स होने चाहिए सोसाइटी के अंदर जो मीनिंगफुल बनाना चाहे वर्ल्ड को भी और जिनकी लाइफ भी मीनिंगफुल हो तो मीनिंगफुल लाइफ मतलब क्या है अ लाइफ विद अ पर्पज़ यू ऑल हैव अ मीनिंगफुल लाइफ तुम्हारा एक मीनिंग है तुम्हारा एक गोल है कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं नहीं भी अच्छे नंबर आए तो तुम्हारे पास एक मीनिंग है कि तुम्हें जॉब करनी है जॉब नहीं करनी है अपना बिजनेस करना है और तुम्हें अपने पेरेंट्स को खुश करना है और तुम्हें आगे चल के शादी करनी है उसके बाद तुम्हारे बच्चे होंगे तुम्हें उनको भी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद के देनी है यू हैव मेनी पर्पस कुछ लोगों के पर्पस होते हैं जैसे कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप सचेत होते हैं तो वो भी चाहते हैं अब इतने इस समय पे कई जो आपने देखा होगा जो बच्चे हैं मैंने अब तो अपनी कॉलोनी में ही देखा है इतने बच्चों को कि वो जो उन्होंने कलेक्ट करा सारा का सारा फंड वगैरह और उन्होंने मास्क बांटे गरीब लोगों को तो हर चीज़ से मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए चाहे बच्चे हो चाहे आप बड़े हो आपकी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए इट वुड बी विद अ पर्पज़ ठीक है अ मीनिंगफुल लाइफ कब है जब यू आर हेल्दी हेल्दी नहीं होगी तो कुछ काम करने का किसी का मन भी नहीं करता है इफ़ यू आर नॉट हेल्दी एवरीथिंग इज़ नथिंग नेक्स्ट चीज़ क्या हुई टैलेंट होना चाहिए यू तुम्हारा जो टैलेंट होना चाहिए और अगर तुम्हारे में कोई टैलेंट है तो उसे डेवलप करने का मौका मिले अब इंडिया के अंदर इतने सारे बच्चे हैं जिन्हें डांस करना बहुत अच्छे से आता है हमने शोज़ में देखा है कि उन्हें कोई मौका मिलता है तभी वो बाहर निकल के आते हैं टैलेंट होना चाहिए और उस टैलेंट को एक मौका मिलना चाहिए और जो कुछ भी वो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में उसके लिए उन्हें एक बिल्कुल ही अच्छा सा वही आप कह सकते हो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो फ्री हूँ यानी कि दे आर फ्री उनको ऐसा ना हो कि कोई गरीब लोग है वो कुछ करना चाहती हैं उनके ऊपर बंदिश हो जैसे पुराने ज़माने में अनटचेबल्स के साथ होता था उन्हें मंदिर जाना अलाउड नहीं था उन्हें पढ़ाई करना अलाउड नहीं था दिस इज़ द थिंग फ्री होने चाहिए एंड लीडिंग अ अ हेल्दी लाइफ वही है कि हेल्दी लाइफ होनी चाहिए सैनिटेशन सबसे ज़रूरी तो देखो अगर हम इंडिया की बात करो सैनिटेशन लाइफ हो घर में टॉयलेट होने चाहिए चाहिए एजुकेशन होनी चाहिए और अ परमानेंट सोर्स ऑफ लिविंग होनी चाहिए घर में दो वक्त की रोटी का पैसा होना चाहिए एजुकेशन अब सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन एंड इट शुड बी अ डिसेंट लाइफ एक एटलीस्ट एक डिसेंट लाइफ जीनी चाहिए उन लोगों को ठीक है तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे अगर कोई पैदा हो रहा है तो उसके पास चॉइसेस हों वो एक हेल्दी लाइफ जिए उसको एजुकेशन मिले वो एक बेटर कंडीशन के अंदर है और वो एक डिसेंट लाइफ जी दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट क्या ये करना बहुत मुश्किल है नहीं अगर हमारी सरकार और लोग अगर अवेयर uh, हो जाएं तो ये करना मुश्किल नहीं है सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या यहाँ पे कहीं पैसा 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 लिखा है नहीं खाली पैसे से कुछ नहीं होता है पैसे के साथ साथ आपको फ्री अपॉर्चुनिटीज चाहिए इक्वल राइट्स चाहिए तभी ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल ठीक है आप पीपल डोनोट हैविप केपेबिलिटीज़ और फ्रीडम ऑफ बेसिक चॉइसिस अगर हम कहते हैं कभी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो या तो ये है लोगों के पास केपेबिलिटी नहीं है या फिर फ्रीडम नहीं है यहाँ पर केपेबिलिटी का मतलब देखो बुक में ये बता रखा है एक बच्चा है उसको या तो डॉक्टर बनना चाहता है या फिर वो इंजीनियर बनना चाहता है बट ही इज़ इलिटरेट उसे पढ़ना ही नहीं आता है तो मतलब उसकी केपेबिलिटी क्या नहीं है अब वो तो देखो उसके वो ऐसे घर में पैदा हुआ है जो उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं उसका ड्रॉबैक है बट उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है उसे पढ़ना नहीं आता तो वो कहाँ डॉक्टर बनेगा या वो कहाँ इंजीनियर बनेगा तो डेवलपमेंट कब नहीं होता जब इंसान के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती या फिर उसे फ्रीडम ऑफ बेसिक चॉइस नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमने कई एरियाज में देखा है लड़कियाँ इतनी समझदार इतनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है बट उन्हें पढ़ने का हक ही नहीं मिल रहा है वो कैसे आगे बढ़ेंगी अब पहले ज़माने में आप जाओ तो वुमेंस को रीड एंड राइट का हक़ी नहीं था हमने क्लास सिक्स में सिक्स का एक चैप्टर पढ़ा था एक मम्मा थी वो लिखना सीखती हैंगी उनको अपने बच्चे की नोटबुक्स को ले लेके तो काफ़ी सारी जगहें अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनको राइट नहीं है एजुकेशन का तो वो अपनी लाइफ में क्या करेंगी अगर वो कुछ करना चाहें तो तो दिस इज़ द थिंग कभी कभी कैपेबिलिटी नहीं है एजुकेशन ही नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन जाओगे कभी कभी ऐसा होता है कि आप में कैपेबिलिटी है आप पढ़े पढ़े हुए भी हुए हो बट आपको फर्दर ऑन जॉब करने के लिए नहीं जाने दे रहे आपकी शादी करा रहे हैं ज़बरदस्ती तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग या फिर पुअर पीपल के साथ को कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा केपेबल भी है मना कर देते हैं पुअर बच्चे को एडमिशन देने को होता है ऐसा इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर कई स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एडमिशन मिलना बंद हो जाता है तो दिस इज़ द थिंग या तो कैपेबिलिटी नहीं होती या फ्रीडम नहीं होता हैगा तो इस वजह से हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती और क्या है नॉलेज पॉवर्टी सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इंस्टीट्यूशन कम होने की वजह से जो सोसाइटी है वो डेवलप नहीं हो पाती अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कुछ रीज़न बताओ जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो डेवलप नहीं है पहला रीज़न क्या है लैक ऑफ नॉलेज जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं उनमें नॉलेज नहीं है तो कहाँ से सोसाइटी डेवलप होगी सेकेंड बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है पुअर लोग पढ़ते नहीं लिखते नहीं क्या करेंगे वो वो तो दो वक्त की रोटी कमाते हैं मुश्किल से सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको हम टच नहीं करेंगे ये लड़की है इसको ये नहीं करने देंगे दिस इज़ अ सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो सोसाइटी डेवलप नहीं होगी या फिर इंस्टीट्यूशन कम है जैसे गांव में देखो आप दो ही स्कूल स्कूलें भर जाते हैं वो टीचर वहाँ आते नहीं हैं तो कहाँ आएगा गांव में विकास जब स्कूल ही नहीं होंगे जब हॉस्पिटल ही नहीं होंगे तो इंस्टीट्यूशन की लाग की वजह से भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और हमारी अगर हम कहें कि किस तरीके से हमें ह्यूमन डेवलपमेंट लाना चाहिए तो हमें हेल्दी लाइफ पहले तो हेल्दी लाइफ दो प्रॉपर हॉस्पिटल्स बनाओ यानी कि बच्चे पैदा हुए तो वो मरे ना एंड प्रॉपर सैनिटेशन लेवर प्रोवाइड करो सेकेंड स्कूल्स बनाओ एजुकेशन ले कर आओ थर्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन है ये नहीं खाली अमीर उसको एक्सेस कर पाए गरीब और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हर कोई उन इंस्टीट्यूशन को एक्सेस कर पाए रिसोर्सेज को और यही एक तरीका है जिससे कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं बुक में आपके वो अनएजुकेटेड चाइल्ड वाला है बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी को एजुकेटेड ही नहीं और वो अंदर से बहुत ज़्यादा चाहता है कि मैं जो डॉक्टर बनना है तो वो कहाँ से बनेगा ही इज़ नॉट हैविंग द केपेबिलिटी तो ये सब चीज़ें अगर आपको सोसाइटी को डेवलप करना है नॉलेज बढ़ाओ एजुकेशन बढ़ाओ लाइफ बढ़ाओ यानी कि लाइवलीहुड बढ़ाओ हाउसिंग दो लोगों को सैनिटेशन दो तो अपने आप डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर आ जाएगा एंड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को एक्सेस मिल रहा है रिसोर्सेस का कुछ को नहीं मिला तो इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं आ पाता है तो डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव चेंज जो एक पॉजिटिव ग्रोथ का चेंज होता है पॉजिटिव ग्रोथ के बाद आता है पॉजिटिव चेंज है और ये एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर लोगों को क्या होता हैगा फ्री फ्रीडम मिलता है चॉइसेस मिलती हैं टू डेवलप दैम सेल्स नाव लेट्स कम टू द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वो क्या फोर पिलर्स हैं जिनकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल तो फर्स्ट इज इक्विटी सेकेंड इज सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्टिविटी एम्पावरमेंट लेट्स स्टडी देम विद ओके तो ह्यूमन डेवलपमेंट के हमारे फोर पिलर्स हैं उनमें से पहला पिलर क्या है इक्विटी यानी कि हर एक को इक्वल एक्सेस मिले टू द रिसोर्सेस हर एक के पास इक्वल ग्राउंड है कि भाई इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्लास कलर लेस लड़का हो या लड़की हो स्कूल में एडमिशन मिला जाए किसी भी कलर का हो ब्लैक लाइफ मैटर इतना ज़्यादा हमारा भी आपने देखा होगा फेमस हुआ था क्यों हुआ था बिकॉज ब्लैक एंड वाइट का डिस्क्रिमिनेशन इवन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी हो जाता है का। तो इक्विटी क्या है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट लाना है तो हर एक को इक्वल एक्सेस होना चाहिए अपॉर्चुनिटी के लिए किसी भी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी कंटिन्यूटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसा ना हो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है बट मेरे दो साल बाद जो बच्चा आ रहा है पढ़ लिख के उसके पास अपॉर्चुनिटी ना हो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सस्टेनेबिलिटी मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बची हुई होनी चाहिए तो उसके लिए क्या है कि रोज इंस्टीट्यूशन बनेंगे तो ही अप, अब, वो एम्प्लॉयमेंट आएगी अब हम कहते हैं ना कि भैया पहले ज़माने में जॉब फिर भी थोड़ी आसानी से लग जाती थी अब इतने सारे बच्चे इतनी सारी डिग्रीज लेके लोग खड़े हैं तो जॉब लगना थोड़ा मुश्किल है मुश्किल नहीं है अगर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बन जाएंगे तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी तो इसीलिए फाइनेंस के अंदर इन्वायमेंट के अंदर भी और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए जैसे कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको भी जॉब मिल जाए और अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का देखो कहते हैं वाटर ज़्यादा यूज़ मत करो क्यों फ्यूचर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी कल को उनके पास पानी नहीं होगा कल को उनके पास पेट्रोल नहीं होगा वो स्कूटी नहीं चला पाएंगे वो बाइक पर मज़े नहीं कर पाएंगे तो क्या है कि सस्टेनेबल होकर चलना चाहिए इधर इट इज़ अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज और इट इज़ अबाउट द फाइनेंस और इट इज़ अबाउट द जॉब्स नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी इज ह्यूमन लेबर और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर यानी कि जो कोई भी काम कर रहा है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए यानी कि वो सोसाइटी को हेल्प कर रहा हो ऐसा ना हो कि कोई कोई काम कर रहा है एंड इट इज़ नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव तो ह्यूमन जो वर्क है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट हैव द पावर टू मेक द चॉइसिस यानी कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एम्पावर्ड सोसाइटी ही डेवलप्ड सोसाइटी होती है यानी कि जो लोग हैं उनके पास पावर होनी चाहिए टू मेक देयर चॉइसेस दिस इंक्लूड्स फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी बोथ कैपेबिलिटी होगी तभी तो अब वो बच्चे का देखो ना उसको पढ़ना नहीं आता है अगर पढ़ना आता होता तो वो या तो वो पीसीएम लेके इंजीनियर बन जाता या वो पीसीबी लेके डॉक्टर बन जाता अपने अपने कोर्सेस करके तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए एम्पावरमेंट में और उसको फ्रीडम भी मिलना चाहिए और उसके पास फ़्रीडम क्या होना चाहिए कि उसको अलाउड हो पढ़ने का ऐसा ना हो कि कह दे कि तुम गरीब घर गर के बच्चे हो वो बाई चांस चलो इमेजिन करो वो जो बच्चा है जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी जिसको एजुकेशन नहीं थी उसके पापा ने कहीं से जैसे तैसा करके उसको एक स्कूल में डलवा दिया और वहाँ पर उसे मना कर दिया जाए दैट यू आर लो कास्ट कह दो या यू तुम गरीब हो तुम्हें तो हम नहीं ले रहे हैं तो फ्रीडम होना चाहिए एट द सेम टाइम केपेबिलिटी होनी चाहिए तभी जो सोसाइटी है वो डेवलप होगी अभी आपने देखा होगा हैव द पावर टू मेक चॉइस में मेन चीज यही है दैट क्या है कि लोगों को फ्रीडम मिले यार सही सी बात यही है फ्रीडम नहीं होगा तो क्या होगा नथिंग जब हम एक ज़माना था जब वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था उस समय पे सोसाइटीज डेवलप नहीं थी अब देखो सोसाइटी में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है जितनी ज़्यादा फ्री सोसाइटी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है विद दिस हमारा ये फोर पिलर्स कंप्लीट हो गए हैं दे विल डायरेक्टली कम इन योर एग्जाम सो यू जस्ट हैव टू राइट दीज लाइन्स और जो एग्ज़ाम्पल है दैट यू कैन रीड फ्रॉम द बुक और सिंपल सा एक मैंने एग्जाम्पल तुम्हें सबका बताई दिया वो चाइल्ड वाला एग्जाम्पल हर चीज़ पर मोस्टली चीज़ों पर सूट कर रहा है ठीक है तो नाउ लेट स्टडी द अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट तो इसकी पांच अप्रोच है वेलफेयर एक इनकम मिनिमम नीड कैपेबिलिटी वो अभी दोबारा पढ़ाऊंगी बोर्ड रखकर करके दोबारा लिख के पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं दैट ह्यूमन डेवलपमेंट अब मैं कह रही हूँ अमेरिका डेवलप्ड है ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है ब्रिटेन डेवलप्ड है तो मुझे कैसे पता चला उन्होंने मुझे आके बताया मैं उनकी बात पर भरोसा कर लूँगी नहीं तो देयर इज़ अ क्राइटेरिया बाई विच वी मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ऑफ अ सिटी ऑफ अ इंडिविजुअल टू दैट वी विल स्टडी है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है हमारे पास जिसके हिसाब से हम हर कंट्री को रैंक करते हैं किसकी कितनी डेवलपमेंट है किन चीज़ों को देखा जाता है सबसे पहले हेल्थ को देखते हैं फिर एजुकेशन फैसिलिटी को देखते हैं फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज ये ये इसको हाईलाइट कर लो हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस को देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर और स्कोर दिया जाता है बिटवीन जीरो टू वन यानी कि स्कोर होता है जीरो से लेके वन का जैसे एग्जाम में आपका एम टेस्ट होता है हम कह रहे हैं दस नंबर के एम आएंगे क्यू वन से टेन तक का स्कोर है यहाँ पे स्कोर होता है जीरो टू वन का या किसी कंट्री को जीरो से मिले वन तक का स्कोर मिलते हैंगे अब हेल्थ कैसे नापते हैं किसी कंट्री की कोई कंट्री है उसमें हेल्थ अच्छी है या बोरी है तो हेल्थ के लिए वी कंसिडर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर वन ईयर यानी कि अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है एक साल बाद तक वो कितने समय तक जी रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जो देश के आम सिटीजन्स है वो कितने समय तक जी रहे हैं पहले ज़माने में देखो पार्टीशन से पहले अगर हम बात करें तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था थर्टी थर्टी टू था बस यानी कि तीस साल के बाद लोग मर जाते थे और अब की बार तो हमने देखा है एट्टी प्लस आज के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है मोस्टली तो पहले ज़माने में कम था थर्टी प्लस क्यों था बिकॉज डेवलपमेंट नहीं था तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ मेजर करते हैं हम एजुकेशन के लिए हम कुछ चेक करते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट एडल्ट लिटरेसी रेट मतलब एक तो लिटरेसी रेट होता है कि सात साल के ऊपर को कैलकुलेशन मैथ्स वगैरह करनी आती है बट एडल्ट लिटरेसी रेट मतलब कि आगे हायर एजुकेशन भी उन्होंने ले रखी हो तो एडल्ट लिटरेसी रेट को और ग्रॉस इनमेंट यानी कि कितने लोग कॉलेज वगैरह में इनरोल्ड हो गए वो सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं ठीक है नाओ एक्सेस टू रिसोर्सेज एक्सेस टू रिसोर्सेज मतलब कि परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ यू एस डॉलर्स यानी कि अब सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ आ रहा है फ़ोन्स आ रहे हैं टैबलेट्स आ रहे हैं घर का सामान आ रहा है एवरीथिंग इज देयर बट लोग खर्च कर पा रहे हैं क्या लोग उन चीज़ों को खरीद पा रहे हैं या परचेजिंग पावर अब योर फादर हैज़ अ परचेजिंग पावर हर एक के पास परचेजिंग बट देयर आर सम पीपल हु बिलो पॉवर्टी लाइन उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होती है वो कुछ खरीद नहीं सकते हैं उन बेचारों को बैक करके कभी करना पड़ता है या फिर बहुत मजदूरी करके वो पैसा कमा के परचेजिंग पावर अपने अंदर ला पाते हैं कि वो कुछ खरीद के खा सके तो परचेजिंग पावर को कंसिडर करा जाता है इन यूएस डॉलर जिस कंट्री की जितनी ज्यादा परचेसिंग पावर है यानी कि लोगों के पास लाइवलीहुड है मींस ऑफ लाइवलीहुड है जॉब है अपॉर्चुनिटी है वो कमा रहे हैं खा रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ पैरामीटर टू टू कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट तो एक्सेस टू रिसोर्सेज में हम पर्चेजिंग पावर देखते हैं अगर कोई कुछ खरीदेगा तभी तो रिसोर्स उसे मिलेगी तुम्हारे पे पैसे तुम फोन लेकर आए हो तभी तो उसे यूज़ कर रहे हो तुम्हारे पे पैसे है पेट्रोल डलवा रहे हो स्कूटी में तभी तो उस रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो तो परचेजिंग पावर को देखा जाता है अगर एक्सेस टू रिसोर्स ना अपनी हो हेल्थ ना अपनी हो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है एजुकेशन नापना हो तो एडल्ट लिटरेसी रेट नापा जाता है अब वेटेज जो होती है वो वन से थ्री के बीच में दी जाती है सम टोटल करा जाता है इन तीनों डायमेंशन यानी कि हेल्थ में कितना स्कोर है एजुकेशन में कितना स्कोर है और एक्सेस टू तो रिसोर्सेज में कितना स्कोर है जितना वन के क्लोज स्कोर आता है उतना हाई डेवलपमेंट होता है वन के पास में स्कोर होगा डेवलपमेंट हाई है और जितना वन से दूर चला जाएगा स्कोर तो उतना डेवलपमेंट लो है फॉर एग्जाम्पल बुक में दे रखा है जीरो पॉइंट नाइन एट थ्री इज अ हाई डेवलपमेंटल स्कोर इतनी मैचों हमें आती है समझ में आई रहा है जीरो पॉइंट नाइन एट थ्री वेरी क्लोज टू वन और अगर जीरो पॉइंट टू सिक्स एट लेंगे तो ये लो डेवलपमेंट है क्योंकि इट इज नॉट क्लोज टू वन जीरो पॉइंट टू और जीरो नाइन दिख रहा है एट थ्री को भूल जाओ यहां देखो जीरो वन के बहुत करीब है और जीरो पॉइंट टू ये वन से बहुत दूर है तो दैट मीन्स यहां पर लो ह्यूमन डेवलपमेंट है ठीक है अब इसको मेजर्स कैसे करा जाता है इसको मेजर करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स एक है अटेनमेंट एक है Shortfalls, attainments अटेनमेंट्स जो होते हैं अटेनमेंट्स मतलब अचीवमेंट यानी कि जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उन्होंने क्या क्या अचीव कर रखा है तो इट इज़ नॉट डेट रिलायबल बुक में लिखा हुआ है ऐसा भी हो सकता है कि खाली अमीर लोग ही अचीव कर रहे हों, गरीब लोगों तो अचीव कर ही ना रहे हो अगर ऊपर ऊपर से आप देखो तो कहोगे भैया बढ़िया सोसाइटी है हर लोग अचीव कर रहे हैं तो अटेनमेंट इतना रिलायबल नहीं है वो प्रॉपर फिगर खोल के नहीं देता हैगा बट जो शॉर्ट है वो हमें प्रॉपर फिगर खोल के देखता है शॉर्ट को हम कंसिडर करते हैं ह्यूमन पॉवर्ट पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर जिसको एच कहते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट जब हम नापते हैं तो हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को भी चेक करते हैं उसमें मेजर फोकस रहता है शॉर्टफॉल्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि कौन सी जगहें हैं जहां पे कमियां चल रही हैं शॉर्टफॉल्स अब एक रिपोर्ट है हमारी 1990 से वो स्टार्ट हो गई थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करके एक रिपोर्ट है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है हर साल आती हैगी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दोनों को शो करता है हर कंट्री की हर कंट्री में जाएगा वहाँ पर एक रिपोर्ट बनाएगा उस रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी दिखाएगा और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी दिखाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर डिफरेंट थिंग्स डोंट मैच देम दोनों अलग है डेवलपमेंट इंडेक्स हेल्थ एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सिस को चेक करता है और पॉवर्टी इंडेक्स चेक अबाउट ऑल द शॉर्ट फॉर्म्स ठीक है अब शॉर्ट फॉर्म्स जो है एक नॉन इनकम मेजर है अगर हम किसी कंट्री की शॉर्टफॉल्स देख रहे हैं तो इट इज अ नॉन इनकम मेजर इसमें हम ज्यादा इनकम पे फोकस नहीं करते हम देखते हैं कि अगर 40 इयर्स के बाद लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हैं या फिर एडल्ट लिटरेसी रेट नहीं है या फिर क्लीन वाटर को एक्सेस नहीं है या फिर जितने भी छोटे बच्चे हैं वो अंडर वेट है या फिर जो बेटर कंडीशंस नहीं मिल रही हैं उनको तो वो सोसाइटी की शॉर्टफॉल है अब ऊपर ऊपर से तो तुम्हें देख रहा है कि इकोनॉमी बड़ी अच्छी है ये तेल बेच के पैसा कमा रहे हैं बट जब हम अंदर में सोसाइटी को देखा तो चालीस साल के बाद तो वहाँ लोग ज़िद्दा ही नहीं रह रहे हैं वहाँ के लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं वहाँ पर कोई कॉलेज ही नहीं जाता बच्चा वहाँ पर लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलता पीने को और जितने बच्चे हैं वो कुपोषण कहते हैं ना अंडरवेट हैं वो और वहां पे बिल्कुल भी प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह ही नहीं है लोगों का घर ही नहीं ठीक से बना हुआ है तो क्या उस सोसाइटी को तुम डेवलप करोगे कमा लो तेल बेच के पैसा बट फिर भी सोसाइटी डेवलप नहीं होगी तो शॉर्ट फॉल्स को भी कंसिडर करा जाता है खाली पैसे को कंसिडर नहीं करा जाता इफ वी सी द्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स सो इट इज़ द नॉन इनकम मेशोर और कहते हैं कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो ज़्यादा खोल के हमें ह्यूमन डेवलपमेंट दिखाता है एज़ कंपेयर टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो विदर्स ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है और ये जो मेजरिंग मेथड है ना अभी इसको ये नहीं है अब खाली एच डी आई एन एच पी आई बोलती हूँ मैं खाली वो ही नहीं और रिफ़ाइन करे जा रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सब लगे पड़े हैं जोग्राफिस लगे पड़े हैं कि और रिफ़ाइन करें और न्यू एलिमेंट्स डालें इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको अभी हमें कंसिडर करना बचा है अगर हम किसी सोसाइटी का ह्यूमन डेवलपमेंट देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल करप्शन एंड फ्रीडम अब ये बहुत नई चीज़ आ गई है वी हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ मेरी कंट्री आई वोंट नेम देम खुद सोचो अपने दिमाग में ऐसी कंट्री जहाँ पे ठीक है डेवलप्ड है हम कह रहे हैं बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है लोगों को फ्रीडम नहीं है करप्टेड, अगर आप ओल्ड सोवियत यूनियन ले लो अगर आपके पास पॉलिटिकल है पॉलिटिक्स है आप समझ जाओगे वहाँ पे रिफॉर्म क्यों आए क्यों क्योंकि वहाँ बहुत करप्ट सोसाइटी थी लोगों के पास फ्रीडम नहीं था तो चाहे उनको स्टेट सब कुछ दिला रही थी क्या होता था स्टेट सब कुछ दे रही है सब्सिडी भी दे रही है जॉब भी दे रही है बट फिर भी लोगों ने चेंज मांगा बिकॉज करप्शन बहुत ज़्यादा था तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम ना हो राइट टू वोट ना हो तुम अखबार में कुछ छाप नहीं सकते तुम बाहर खड़ो होकर कुछ बोल नहीं सकते तुम इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते और करप्शन है हर जगह पर जहाँ तुम जा करप्शन है तो वो सोसाइटी सोसाइटी में चाहे कितना ही पैसा कमा रहे लोग सोसाइटी विल नॉट बी कॉल्ड डेवलप्ड वो डेवलप्ड सोसाइटी नहीं होगी तो अब एक नया सोच रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स भी बनाया जाएगा जैसे एच डी आई ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एचपीआई वैसे ही पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स दिखाया जाएगा जैसे कि कौन से ऐसे वर्ल्ड हैं वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं अब हमारे पास तो बहुत अच्छा खासा पॉलिटिकल फ्रीडम है दो इंडिया में करप्शन है बट स्टिल वी हैव डेमोक्रेसी वी हैव आर राइट्स हमारे पास इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो वायलेट हो तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में जाके अपनी गुहार लगा सकते हैं तो दिस इज द थिंग तो पोलटिकल फ्रीडम भी दे मेनी कंट्रीज हाँ पोलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है ठीक है खुद बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी तो इसलिए ये कहा गया है कि मोस्ट करप्ट कंट्रीज की लिस्ट बनाएंगे देखो कितना एडवेंचरस होगा ना करप्टेड कंट्रीज की लिस्ट को पढ़ने में तो एक मोस्ट करप्ट कंट्रीज की लिस्ट बनाई जाएगी लिस्ट कैसे बनेगी पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स को कंसिडर करके तो विद दिस गाइड्स आपका सारा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है अब मैं तुम्हें समझाती हूँ इनकम वेलफेयर मिनिमम नीड कैपेबिलिटी अप्रोच तो लेट्स स्टडी देम एंड उसके बाद जो आपका इंटरनेशनल कॉम्पोजिशन आई थिंक जो टॉपिक है वो कंप्लीट करके आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे ही आपको जाएगा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दे रखिए वहाँ से ले सकते हो नोट्स ये तो इंस्टाग्राम से जाके आप ले सकते हो सो लेट्स स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ओके तो नाउ लेट्स स्टडी द अप्रोचेस जो बनाए गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए तो फर्स्ट है इनकम अप्रोच ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है ये कहते हैं जितनी इनकम शो होगी जितनी ज़्यादा इनकम है उतना ज़्यादा ह्यूमन को फ्रीडम मिलेगा और जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हाई इनकम मीन्स हाई डेवलपमेंट और लेवल ऑफ़ इनकम शोज लेवल ऑफ फ्रीडम ये दिखा रहे हैं कि अगर लोग एक कंट्री के पैसा कमा रहे हैं दैट मीन्स दे आर हैविंग फ्रीडम उनके पास सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं तो दिस इज़ द इनकम अप्रोच सेकेंड अप्रोच इज़ वेलफेयर अप्रोच ये कहते हैं कि ये टारगेट किस चीज़ को करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ यानी कि जो गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बना रही है गवर्नमेंट स्कूल बना रही है कॉलेज बना रही है हॉस्पिटल्स बना रही है वो जो डेवलपमेंट है वो कोने कोने तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है ये कंसिडर करते हैं हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए ऑन एजुकेशन सोशल सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड अमेनिटीज़ यानी कि एजुकेशन हॉस्पिटल स्कूल्स हो गए ट्रांसपोर्ट हो गया गांव की सड़कें हो गई और एमिनिटीज़ यानी कि लाइवलीहुड जो है रोटी कपड़ा और सैनिटेशन लेवल वो सब पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए रेलवेज बढ़ानी चाहिए ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड इन द वेलफेयर अप्रोच कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए और इस पर गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमन डेवलपमेंट को लाने के लिए कि जितना गवर्नमेंट वर्क करेगी उतना ह्यूमन डेवलपमेंट आएगा नेक्स्ट अप्रोच इज बेसिक नीड अप्रोच तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी ये सिक्स बेसिक नीड्स को कहती है कि अगर ये फुलफिल हो रही हैं तो अ सोसाइटी इज डेवलप्ड वहाँ के जो ह्यूमन्स हैं वो डेवलप्ड है सिक्स बेसिक नीड्स हेल्थ एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन फूड वाटर सप्लाई और ह्यूमन चॉइसिस को ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करती कहते अगर लोग हेल्थी हैं उन्हें एजुकेशन मिल रहा है उनके पास खाना है उनको पानी मिल रहा है साफ़ सुथरा सैनिटेशन वाला पानी मिल रहा है वाशरूम्स हो उनके पास बेसिक ये चार पाँच नीड्स इनकी जो छः नीड्स हैं इनके पास हैं तो दे आर डेवलप्ड ये जो ह्यूमन चॉइस है जो मैंने आपको बताया चॉइस एंड केपेबिलिटीज़ जो बच्चे का एग्जाम्पल देखे आपको बताया, कह रहे हैं अगर चॉइसेस नहीं भी है तो भी अ सोसाइटी इज डेवलप्ड ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिक नीड अप्रोच बनाई थी अब लास्ट अप्रोच जो आज के समय पर सबसे ज़्यादा फिट बैठती है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच कैपेबिलिटी अप्रोच जो अमरत्या सेम प्रोफेसर जो थे इंडिया के उन्होंने बनाई थी उन्होंने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी आएगा जब ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी कैपेबिलिटीज़ एजुकेशन सेक्टर में भी हेल्थ सेक्टर में भी और एक्सेस टू रिसोर्सेज यानी परचेजिंग पावर हर एक को कमाई का साधन होना चाहिए वो कमाई और खर्च कर कर अपने घर में जो कुछ भी बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड खुद कर सके गवर्नमेंट ना दे वो कह रहे हैं परचेसिंग पावर हर इंसान की होनी चाहिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे हम वर्क करके पैसा कमाए एंड देन वी स्पेंड देन वी परचेज समथिंग तो ये है हमारी अमर सेन की अप्रोच उन्होंने कहा हेल्थ होना चाहिए एजुकेशन होना चाहिए एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज आर द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट जिसके थ्रू हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापते हैं जो हेल्थ एजुकेशन एक्सेस टू रिसोर्सेज तो अकॉर्डिंग टू मी दिस वन इज द बेस्ट अप्रोच टू मेज द ह्यूमन डेवलपमेंट अब आपको बुटा का एग्जाम्पल दे रखा है कि भूटान में देखो ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने के लिए एक बहुत ही यूनिक सा प्रोसीजर है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को ये नापते हैं कि वहां के लोग खुश हैं या नहीं है and, uh, and, uh, हर साल उनकी ये पांच साल में हर साल रिपोर्ट uh, निकलती है दैट हाउ मेनी पीपल नेशनल यानी कि नेशनल लेवल पे अगर उन्हें ह्यूमन डेवलपमेंट चेक करना होता है तो वो हैप्पीनेस से निकालते हैं वो कहते हैं भूटान इज अ वेरी स्मॉल लैंड कंट्री तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम मटेरियल चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे हम देखेंगे कि लोग कितना खुश है दे फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी यानी कि भक्ति और अपनी साधना की तरफ ये ध्यान देते हैं कि जो ज़्यादा स्पिरिचुअल है अंदर से खुश है तो वो ही डेवलप्ड हैं और नॉन मटेरियल थिंग्स ये मटेरियल थिंग्स पे पैसे पे ध्यान नहीं देते हैं दे इन्वेस्ट इन क्वालिटी एंड आस्पेक्ट्स को ये ज़्यादा कंसिडर करते हैं ये क्वालिटी आस्पेक्ट्स होती है यानी कि अगर कोई है उसके अंदर अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ हो वो इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं और चाहे कोई कितना भी पैसा कमा रहा हो बहुत ज़्यादा अमीर हो बट अगर वो खुश नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ में तो ये उसको आ, कि नहीं कहते कि हमारी सोसाइटी डेवलप्ड है तो दिस इज़ द रेयर केस ऑफ़ भूटान अब हम करेंगे इंटरनेशनल कंपैरिजन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अब हमें पता चलेगा कोई कंट्री कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो इट डज मीन उनका ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उससे उसको कोई फ़र्क पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको तब से कह रही थी अमेरिका डेवलप्ड है अमेरिका डेवलप है बट अभी आपको दिखाऊंगी कि अमेरिका अगर हम countries compare 10 कंट्रीज़ को कंपेयर करें टॉप 10 कंट्रीज यूमन डेवलपमेंट की तो उसमें अमेरिका दसवें नंबर पे आता है तो लेट्स स्टडी द इंटरनेशनल कम्पेरिज ओके okay, तो इंटरनेशनल कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कोई कंट्री का साइज़ या फिर उसकी पर कैपिटल इनकम जो उसका जीडीपी है वो नहीं बताता कि सोसाइटी डेवलप्ड है या फिर नहीं है और ये कहते हैं कि कंट्री का साइज़ एंड पर कैरेक्टर इनकम इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट डायरेक्टली रिलेटेड मतलब ऐसा नहीं है कि जी डी पी बढ़ रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ेगा साइज़ बढ़ा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा नहीं इसका रिवर्स भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कुछ कंट्रीज होती है जिनका पुअर है जो बहुत पुअर हैं जो इकोनॉमी जिनकी छोटी है बट फिर भी उनका ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका ट्री इंडीडेट टू बागो इंडिया से साइज में भी छोटे हैं इकोनॉमी भी छोटी है और कह सकते हो पुअर है एज कम्पेयर टू इंडिया बोलना नहीं चाहिए कह दो पुअर है एज कम्पेयर टू बट फिर भी इनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत हाई है फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में काफ़ी अच्छा खासा ह्यूमन डेवलपमेंट है तो दिस इज़ द केस जैसे देखो तुम कि साइज मैटर नहीं करता है जब ह्यूमन डेवलपमेंट को कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया के अंदर लो तो केरला केरला का जीडीपी जो है जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड गुजरात बट फिर भी जो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो पंजाब और गुजरात दोनों से ज़्यादा हैगा अब हमने तीन कैटेगरीज में डाल रखा है एक हाई इंडेक्स वैल्यू वाली कंट्री जिनको हम कहते हैं हाई डेवलप्ड मीडियम इंडेक्स वैल्यू वाली कंट्रीज़ और ये है हमारी लो इंडेक्स वैल्यू वाली कंट्रीज़ तो जो हाई इंडेक्स वैल्यू वाली कंट्रीज़ हैं उनका स्कोर होता है बिटवीन जीरो टू वट्स दैट स्कोर हाँ उनका स्कोर होता है स्कोर होता है अबव जीरो पॉइंट एट अबव ज़ीरो पॉइंट एट सॉरी मैंने जो बोला अभी तो इनका स्कोर होता है अबव 0.8 ऐसी कितनी कंट्रीज़ है 0.8 से अबव मतलब ये वन के बहुत पास आ गए हैं ठीक है तो 0.8 से अबव कंट्रीज 57 कंट्रीज़ है ऐसी टॉप 10 का आपके बुक में टेबल दे रखा है जो 2005 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में लिखी गई थी टॉप 10 बता रखी है 57 में से उसमें से देखो फर्स्ट नवंबर फर्स्ट नंबर पर आपकी नॉर्वे है नॉर्वे कंट्री कौन सी है हमने सबने वाइकिंग्स देखा है तो वाइकिंग्स में नॉर्वे दिखाते हैं अभी तो वो वो वाला नॉर्वे नहीं है और भी उसके एरिया पास में इंक्लूडेड है तो नॉर्वे बाइकिंग से नॉर्वे आप याद रख लें एग्जाम में आ सकता है कौन सी कंट्री 2005 के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है तो इट इज़ नॉर्वे और टेंथ नंबर पे आती हाँ है यहाँ पे यू एस तो अभी तुम्हें समझ में आऊगा तब से मैं बोली हूँ अमेरिका डेवलप्ड है बट अमेरिका से भी ज्यादा डेवलप कंट्रीज दे रहा जो उससे साइज में छोटी है दो लेट सी मीडियम इंडेक्स वैल्यू की एटी कंट्रीज़ है इनका रेशो है बिटवीन बिटवीन जीरो रेशो कह रही हूँ इनका जो अगर हम डेवलपमेंट इंडेक्स देखें वन टू थ्री के स्कोर पर तो ये वो होती हैं जीरो पॉइंट फाइव से अप टू सेवन नाइन नाइन तक होती है जीरो पॉइंट फाइव अप टू जीरो पॉइंट सेवन नाइन नाइन वाली एंड ये वर्ल्ड वॉर टू के पास से ज़्यादा इमर्ज होने लग गई हैं ये वो कंट्रीज है जिनमें डाइवर्सिटी बहुत हाई है हाई डाइवर्सिटी है यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के कल्चर्स के लोग रहते हैं एंड इन कंट्रीज ने हिस्ट्री में मतलब अपने पास में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया को ले लो हमारे पे ब्रिटिशर्स रूल करने आए थे इन्होंने कॉलोनियल पीरियड देखा है या फिर किसी भी टाइप की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या सिविल वार्स इनमें कंट्रीज़ में हुए थे तो अब ये उन चीज़ों से बाहर आकर डेवलप हो रही हैं ये एटी एट कंट्रीज़ हैं नेक्स्ट कम टू द लो इंडेक्स वैल्यू कंट्रीज Next, इतनी ये सिर्फ थर्टी टू कंट्रीज आते हैं जो लो इंडेक्स वैल्यू में आती हैं और इनका जो स्कोर है इट इज़ बिलो जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव से भी कम है इनका स्कोर एंड ये इतना कम स्कोर इनका क्यों है क्यों ये डेवलप नहीं है क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल है यानी कि यहाँ के पॉलिटिक्स ठीक से नहीं चलती है सेकेंड यहाँ सोशल स्टेबिलिटी है यानी कि सोसाइटी स्टेबल नहीं है पॉलिटिकल टर्मोइल में अगर आप देखो तो यहां सिविल वॉर हुए हैं यहां कभी ना कभी फिमाइन आई है ड्रॉट आई है सूखा पड़ा है और कोई बहुत भयंकर डिजीज की वजह से यहां पे डेवलपमेंट नहीं आ पाया तो दिस इज़ द थिंग एंड यहाँ पे सबसे ज़रूरी है अर्जेंट नीड है ह्यूमन डेवलपमेंट की तो इनकी जो गवर्नमेंट है उनको वर्क करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ द सोसाइटी अब अगर आप कहो कि कुछ कंट्रीज़ इतनी डेवलप क्यों हैं जो हाई डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने बताया कि वो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो ज़्यादा करती है सोशल वेलफेयर पे डिफेंस पर ज़्यादा नहीं करती है और जो कंट्रीज़ ये जो कंट्रीज़ हैं लो इंडेक्स वैल्यू वाली इनमें से कुछ ऐसी हैं जो डिफेंस यानी कि न्यूक्लियर वेपन गोली और कह लो आप सारे वेपन्स वगैरह जितने भी हो गए उनके मिलिट्री अलाइंसिस के ऊपर हार्ड पावर पे ये लोग बहुत खर्चा करती हैं और ये जो इनकी जनता है जो उनके वेलफेयर प्रोग्राम है उस पर खर्चा नहीं करती तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई कंट्री आ रही है तो बता दो मेरे को तो ये कंट्रीज जो लोअर इंडेक्स वाली वाली है चाहे डिफेंस पर ख़र्चा कर ले बट जो सोशल सेक्टर हैगा जो लोगों के भले के लिए काम करना होता है एजुकेशन प्रोवाइड कराना हाउसिंग प्रोवाइड कराना हॉस्पिटल्स बनाना उस पर खर्चा नहीं करती है डिफेंस पर खर्चा करती हैं बट अगर तुम देखो अबाउट द हाई डेवलप कंट्रीज़ तो ये सारे सेक्टर्स में इक्वली इन्वेस्ट करती हैं एंड बट एट द सेम टाइम जो ऐसे सेक्टर्स हैं हेल्थ एजुकेशन वगैरह उन उनपे ज्यादा करती हैंगी तो दिस इज द डिफरेंस इंटरनेशनल कंपेरिजन कम्पलीट स्कोर अच्छे से लर्न कर लेना एग्जाम में जरूर आएगा लिखने को so, this, hope, तो विद दिस वी हैव कम्प्लीट द फुल चैप्टर्स आई होप तुम्हें चैप्टर एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन इफ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी नाउन इन द कमेंट सेक्शन सो लेट्स मी ड्यू द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट के भी हैं आप जाकर सभी चाकडेस पढ़ सकते हो इंस्टाग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल तो सब्सक्राइब कर दो एंड एंड मीट यू द नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बाय बेस्ट